बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, रब्बी शरहली सदरी व यस्सर ली अमरी व हलल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बहुत ही मज़ेदार मीठा बना रहे हैं, शाही टुकड़े। ब्रेड के पीसेस मैंने बना दिए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला मीठा। एक लीटर दूध ले लिया है, आधा कप दूध हमने अलग-अलग कर लिया है, एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर, टेबलस्पून एक लीटर दूध, एक टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर। अच्छी तरह दूध में हल करते हैं। कस्टर्ड पाउडर हल हो गया है। दूध को चूल्हे के ऊपर रखते हैं और चूल्हा ऑन करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है शाही टुकड़े। कभी कभी नया एक नई चीज़ खाने को दिल करता है, नया मीठा खाने को दिल करता है। हसबे ज़रूरत चीनी डाल दें। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। ज़ाफ़रान थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हम शाही टुकड़े बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ज़्यादा नहीं डालना, फिर ज़ाफ़रान का ज़ायका अच्छा नहीं लगता। बहुत ही लाइट मीठा शाही टुकड़े। चीनी भी डाल दी है, ज़ाफ़रान भी डाल दिया है। अब बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। आंच हल्की कर देते हैं। दो तीन मिनट दूध को अच्छे से पकाते हैं। ये फुल फैट दूध है। दूध पक गया है। अब कस्टर्ड पाउडर जो हमने एक टेबलस्पून दूध में मिक्स करके रखा हुआ था हल करके, अब वो डाल देते हैं। आंच हल्की रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब दो तीन मिनट और पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पक जाए, कस्टर्ड पाउडर पक जाए, कच्चा जायका ना आए। कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा नहीं डालना, एक लीटर में एक टेबलस्पून। दूध रेडी हो गया है, गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब ये जो हमने बनाया है कस्टर्ड तैयार किया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम शाही टुकड़े तैयार कर लेते हैं। पैन मैंने रख दिए और देसी घी डालें। कोशिश करें
मैंने देसी घी डाल दी है। अब सारा घी पिघला देते हैं। अब जो मैंने ब्रेड के पीस बना के रखे थे अब वो डालते हैं और फ्राई होने तक पकाते हैं। एक बाउल तैयार करने के लिए 3 ब्रेड काफी हैं, 3 या 4 ब्रेड। ब्रेड सारी ब्राउन हो गई है, इसी तरह अच्छे से ब्राउन करनी है। देसी घी में आंच हल्की रखनी है। बहुत ही जबरदस्त मीठा शाही टुकड़े। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं जो ब्रेड हमने ब्राउन किए। कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है, वो ऊपर डाल देते हैं। कभी अचानक मेहमान घर में आ जाएं तो ये चीज़ें तो हर घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। दूध ब्रेड हर वक्त घर में होती है। बहुत ही आसान स्वीट डिश, आसान मीठा, कम चीज़ों में बनने वाला शाही टुकड़े। जो बैटर हमने तैयार किया है वो सारा ब्रेड के ऊपर शाही टुकड़े जो हमने बनाए हैं उनके ऊपर डाल दिए है। थोड़ा सा फिर ज़ाफ़रान डालते हैं, 2-3 धागे, ये धागे ही होते हैं, धागे ही लगते हैं, नज़र आते हैं। अपनी मर्जी का ड्राई फ्रूट डाल दें। मैं पिस्ता बादाम डाल रही हूँ। जबरदस्त शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। आप भी ट्राई करें और दुआ में याद रखें।